आज हम धरोरा आए हैं और धरोरा में आपको गंगा पर बना बैराज दिखाएंगे, जो कि काफ़ी बड़ा बैराज है। 61 द्वार है जिसके अंदर, और दोस्तों आज इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, और जो कि यह 1967 तक बनकर तैयार हुआ था। अब उसको 60 साल हो गए हैं, यहाँ 50 वर्ष, मगर अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो आज दिखाएंगे आपको गंगा बैराज, लेकर चलते हैं आपको गंगा बैराज पर। और धरोरा बहुत प्रसिद्ध है परमाणु केंद्र के लिए। पानी चल रहा है, आवाज़ करते हुए पानी। अरे ऐसे ये बैराज है, नरोरा बैराज दोस्तों, पता वो चला है चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज नरोरा। तो हम इधर जा रहे हैं, ये नहरें निकली हुई हैं जो दो बड़ी बड़ी, और देखो ये गंगा से पानी निकलता हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। बना दो ये गंगा बैराज है, और दोस्तों यहाँ जो पानी निकलता हुआ, जो कि ये देख सकते हैं बड़ी तेजी से बहाव है पानी का इस तरह से, और यहाँ से कोई गिर गया ना सीधा बह जाएगा दोस्तों। उधर साइड दिखाते हैं आपको, बड़ा अच्छा नज़ारा सुंदर, और ये गंगा बैराज है, ये देख सकते हैं आप, बड़ा सुंदर नज़ारा। और पानी देख सकते हैं आप कितनी तेज पानी बह रहा है यहाँ से, ये देखो दोस्तों पानी। और उधर के लिए वो गया सीधी गंगा, यहाँ से ये नहर के लिए पानी निकला, जो कि बहुत तेज पानी, शायद आवाज़ देख सकते हो तुम पानी की। और मोबाइल सीधा गिर गया था मेरा, सीधा पानी में जाएगा। आगे दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ दोस्तों मछली पकड़ते रहते हैं लोग, ये देख सकते हैं। ये पानी देखो दोस्तों, पानी आवाज़ करते हुए नरोरा में यहाँ परमाणु केंद्र चलता है, इसी पानी का यूज होता है जो कि गंगा का पानी है। और मैं आपको आगे तक दिखा सकता हूँ दोस्तों, ये देख सकते हो। और ये लकी आता हुआ जो कि थक गया, बहुत दूर से ड्राइविंग करके आ रहा, और ये देखो दोस्तों यहाँ छोले कुलचे और इस तरह से वो लगे हुए हैं, नरोरा का सुंदर नज़ारा। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको जल्दी जल्दी दिखाई देगा, ये दोस्तों सुरक्षा के लिए कैमरा लगे हुए हैं, सुरक्षा मतलब इसको निगरानी के लिए। और ये पानी दिखाई देगा, यहाँ से दूसरी नहर निकली हुई है जो कि बहुत बड़ी नहर है, और यहाँ से भी दोस्तों पानी गया ये, और बड़ा ही सुंदर दृश्य। ये देखिए ये सीधा पुल बबराले के लिए गया है, जो कि हम उधर जाके भी दिखाएंगे आपको। और ऐसा नज़ारा शायद ही आपने देखा हो, मैं यहाँ दोस्तों दोबारा आया हूँ, जो कि कभी पहले कई साल पहले
आ चुका हूँ। और दोस्तों आप, यह है नरोरा का बैराज पुल। यह लगे दोस्तों लोग यहाँ मछली पकड़ते हुए, ये यहाँ पानी कुछ इस नहर में कम है पानी। और दोस्तों ये देखिए, आओ आगे, ये दोस्तों घूमने लायक जगह है और आप गंगा जी का दीदार कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये बंद है, ये दोस्तों बंद है, यहाँ बैराज को बंद किए हुए है, पानी यहाँ से बंद है। ये दर उस वाली नहर में खुला हुआ था, जो कि देख सकते हैं आप, गंगा जी में बेअंतहा पानी। और इस पानी, गंगा जी के पानी से दोस्तों यूज होता है, जो कि दोस्तों धुंधला दिखाई दे रहा है, जो कि गंगा जी की पानी की वजह से धुंध सी उठी हुई है, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है कुछ। और ये सुंदर नज़ारा, ये दोस्तों ये नहर के द्वार जो बंद हैं, और ये सीधा रास्ता गया नरोरा का, जो कि किसी कॉलोनी के लिए गया है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इस प्रकार से, इधर दिखाएंगे आपको हम, खड़ा हुए क्या कहना चाहोगे? लाइक शेयर चाहिए। क्या चाहिए आपको वीडियो पर? लाइक और शेयर। लाइक तो दोस्तों लाइक जरूर करें, क्योंकि लक्की भाई का कहना है कि लाइक जरूर करें, तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो हम और दिखाते हैं आपको, देखिए बहुत अच्छा नज़ारा, जो कि सुंदर नज़ारा बहुत। नहीं, इधर इधर पुल पर दोस्तों, बबराला के लिए ये रास्ता जा रहा है सीधा बैराज। ले चलते हैं लोग, चौधरी चरण सिंह का बैराज के नाम से चलता है। वो गंगा घाट है पल्ली तरफ दोस्तों, ये देखिए पल्ली तरफ गंगा घाट है दोस्तों। यह है गंगा घाट, जो कि आप स्नान कर सकते हैं। और यह है पुल बैराज, धुंधला राम के आज तैयार है। है बच्चे के लिए बॉल खरीदना, लोगे एक बॉल? हाँ एक बॉल लेंगे। अंकल किसकी है बॉल?
वालेकुम। है यहाँ कोई? ये बॉल गैर के लिए निकाल, इसमें से निकाल लो। ये निकालना बेटा, ये लो भी लो भी। ये वाली निकाल दो, ये वाली। और ये हमने मेले से बोल ले ली। दोस्तों मेले में एक बॉल खरीद ली हमने और ये देख सकते हैं। और ठीक है,